अदित हमारा बेटा है, हम उसका अपमान कैसे बर्दाश्त करें? लक्ष्मी को हम हमारा परिवार समझते हैं, इसीलिए हमारे घर में आने जाने देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे घर के मामलों में दखल देने लगे। हमारी बातें तुमको चुभेंगी, लेकिन ये भी तो सोचो, हम ऐसी सास हैं जिसने तुम्हें काफी छूट दी है। हम ही है जो तुम दोनों बहनों के प्यार, दोनों बहनों के संबंध को समझते हैं, क्योंकि हमारी भी एक छोटी बहन है जिसकी फिक्र हर पल हमें लगी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे रिश्ते की मर्यादा, हमारी सीमा पार कर दें। समझ रही हो? आज तुमने जो किया वो सही नहीं था। आइंदा से हम ऐसी बेवकूफी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घर, ये रिश्ते संजो के रखना पड़ता है। आज तो तुमने अपनी बहन की गृहस्थी में आग लगाई दी थी। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अमर, अमर, अमर सुनिए ना। कुसुम। दीदी, दीदी सॉरी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने चीजू को, अम्मा को बहुत नाराज कर दिया है ना, और आपको मेरे कारण सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कितनी बार बोला है ना तुझे लक्ष्य कि तू जाने दिया कर चीजों को, क्यों पड़ी रहती आदित्य के पीछे? देखा ना क्या हो गया, पूरे घर की शांति चली गई है। आदित्य को गुस्सा आता है, कड़वी बातें बोल जाते हैं वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो धोखा देंगे मुझे, झूठ बोलेंगे। जो मुंह पे साफ बोल सकता है वो क्यों कुछ छुपाएगा? आज मुझे सुनना पड़ गया कि मैं अपने पति पर विश्वास नहीं करती। लक्ष्मी मेरा ससुराल है, अम्मा ने हमेशा मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा है। आज तेरे साथ मैं भी उनकी नजरों से गिर गई। दीदी नहीं, रहने दो, आपसे कुछ नहीं बोलूंगी दीदी, सच। पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है, अगर मेरे मन में कोई खटका बैठ जाता है ना तो छोड़ ही नहीं पाता मुझे। लेकिन लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा दीदी, प्लीज आप तो माफ कर दीजिए ना मुझे। मेरे माफ करने से क्या घर के बाकी लोग तुझे माफ कर देंगे? जिस बहन को मेरे कारण अम्मा ने इतना प्यार दिया, उसी बहन ने उनको चोट पहुंचाई है। ऊपर से कल लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ। क्या करूंगी, जब भी तेरे लिए कुछ अच्छा करने जाती हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। दीदी मैं उनसे बात करूं? नहीं नहीं, देखा ना अम्मा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तू घर जा, मैं संभालती हूँ सबको। आदि जी अभी काम पर निकल गए, शाम को लौटेंगे तो पता नहीं क्या मूड होगा उनका। ये कार्तिक ने साफ साफ बताया क्यों नहीं किसे अचानक से क्या काम आ गया और कहां जाना पड़ा? इससे पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, फिर आज अचानक कहां गया होगा कार्तिक? एक मिनट, मेरे मना करने के बावजूद कहीं ये जिया से मिलने तो? मेरा फोन। ये लोकेशन बता रही है कि कार्तिक यहीं आसपास है। एक मिनट, जिया भी तो पास में ही रहती है, इसका मतलब वो जिया के साथ है।
ये क्या कर रही थी तुम? अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। कार्तिक, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, तुम्हें कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? कितने कॉल्स किए मैं तुम्हें? आई नो कि आंटी गुस्सा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगे। एक काम करती हूँ, मैं मरी जाती हूँ, मुझे नहीं जिता रहे। छोड़ो, मुझे मरने दो। Stop it! कार्तिक, मुझे मरने दो। Stop it! जिया प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं कोशिश तो कर रहा था ना, इसलिए तो तुम्हें होली पार्टी पे इनवाइट किया था मैंने, ताकि तुम मॉम से मिल सको, पर फिर वहां सब गड़बड़ हो गए। कार्तिक, मैंने सॉरी बोला था। हमको मॉम को अलग तरीके से समझाना होगा। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मॉम कितनी इम्पोर्टेंट है, और मैं भी नहीं हूँ और कभी हो भी नहीं सकती। कार्तिक, अगर तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? मेरे लिए तो मेरा सब कुछ तुम ही हो ना। I know you. इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे रिश्ते पे भरोसा रखो। कार्तिक, मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। जी हाँ। काश तुम्हें आंटी को पहले ही बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। कार्तिक, फोन उठाओ। ये शादी नहीं हो सकती। इतने बड़े खानदान में ब्याह के जा रही है लक्ष्मी, इनकी तीसरी पत्नी बनकर। अरे अरे अरे, फिर से रिजेक्ट कर दिया। अरे एक बार देख तो लो, ऊपर से नीचे। पूना, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे घर से किसी ने बुलाया? हाँ लक्ष्मी। यस, मैंने ही तुम्हें बुलाया यहाँ। बेबी को सरप्राइज पसंद नहीं आया? मुझे यहाँ से जाने दो, हटो। मैंने कहा ना हटो। मेरे लिए ब्लाउजेस नहीं बनाओगी? तुम ऐसे मेरी फोटोज नहीं ले सकते, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हटो। पर बेटा, मंगल ने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। एक काम करते हैं, आज बाहर चलते हैं। बाहर? तुम्हारा मतलब है रेस्टोरेंट में? हाँ माँ। बेटा, रेस्टोरेंट में क्यों जाना? देखो ना, ये सारा खाना अभी मंगल ने बनाया है, सब ताजा है, गरम है। हमें काम करते हैं, रेस्टोरेंट कल चले जाते हैं, आज घर पे खाना खा लेते हैं। आ जाओ। कोई बात नहीं अम्मा, आदित्य का मन है, ये खाना तो हम कल खा लेंगे, अभी बाहर चलते हैं। मैं तो पिज्जा खाऊंगी आज, मैं चाइनीज। अरे पहले जाओ और जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, बाद में डिसाइड करते हैं किसे क्या खाना है। ये चल। पापा, अम्मा, आप भी तैयार हो जाइए। नहीं बेटा, हम कहाँ चलेंगे, आप लोग जाओ। अरे चलिए ना अम्मा, देखिए बच्चे भी कितने खुश थे, और हम लोग कौन सा रोज रोज बाहर जाते हैं। चलिए। ठीक है बेटा, हम भी चलते हैं। ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। मंगल दीदी, अरे क्यों उस बहन जी को कॉल करके परेशान कर रही हो बेबी?